IIFL सिक्योरिटीज़ नॉलेज सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष डेटा के ऊपर चर्चा करने आए हैं, इकोनॉमिक डेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे FOMC मीटिंग मिनट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। FOMC मीटिंग मिनट्स जो कि फेडरल बैंक की जो मीटिंग होती है, जो दो हफ्ते पहले होती है, उसमें जो भी डिस्कशन होता है उसकी मिनट्स को रिलीज़ करता है। इस मिनट्स में हम जनरली US की जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, US की जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ते हैं, और आगे वो फ्यूचर में क्या स्टेप लेने वाले हैं सेंट्रल बैंक्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो FOMC मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट US डॉलर पर होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पर होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो फॉरेक्स मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इस मार्केट के बारे में पढ़ें, इस डेटा के बारे में पढ़ें, तो डेफिनेटली आप थोड़े से कॉशियस हों, क्योंकि इस डेटा में आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में डायरेक्शन प्रोवाइड होगा। जैसा कि हमने देखा है कि इस बार US फेडरल बैंक ने बोला है कि वो 2023 तक दो बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और वो US की ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल लाने में या एक पॉजिटिविटी जाना लाने में हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।